एवरीवन, आई एम फ्रॉम और आज हम लोग जा रहे हैं बिग एयर वर्ल्ड कप देखने, जो कि बीजिंग में हो रहा है। और ये है मेरी यूनिवर्सिटी बसेस, ये जा रही हैं दूसरे कैंपस और वहाँ से है क्रीब वर्ल्ड कप की प्लेस। ये देखें ब्यूटीफुल सनराइज़, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है और हमें अर्ली मॉर्निंग ही निकलना है। हम ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप की प्लेस के करीब पहुंच चुके हैं और ये देखें एक लेक है यहाँ पे, और इसका वाटर भी फ्रीज़ हुआ हुआ है क्योंकि इस टाइम जो टेम्परेचर है वो -10 है। ये फिर स्नोबोर्ड एंड फ्री स्कीइंग के रिलेटेड वर्ल्ड कप है। ये हम पहुंच चुके हैं एंट्रेंस पे और अब हम लोग एंटर होके सिक्योरिटी चेक होगा और अपना टिकट वगैरह हम दिखाएंगे। और सिक्योरिटी चेक के बाद ये अब हम लोग अपना पासपोर्ट उनके हैंडओवर करके और टिकट वगैरह को वेरीफाई कर रहे हैं ये लोग। और जी, हमें परमिशन मिल गई अंदर जाने की और अब हम लोग ये पहुंच चुके हैं फाइनली उस प्लेस पे। बिकॉज़ आज हम लोग टाइम पर आ गए हैं और अभी तक जो कंपटीशन है फ्री स्कीइंग का वो स्टार्ट नहीं हुआ है। ये अपने नेशनल एंथम से स्टार्ट कर रहे हैं। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। अब फ्री स्कीइंग का जो है वो कंपटीशन स्टार्ट हो गया है और सब पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो वन बाय वन करके आ रहे हैं और बिग स्क्रीन पे भी ये बार बार रिकैप दिखा रहे हैं।教练谭诺是在2017年的冬季极限技巧大赛，就是冬季 X 左转。The second four caps on club。北京冬奥会参加了吞灭大技巧和大跳台 ，gets the bronze。The silver medalist in the big air 2022。The next attempt. 右转 ，Dump Court 1080。选手们在准备，就做了一个1260。今天做转速最大的选手 ，Rodeo All Bile。下面。ये हैं जी स्पेक्टेटर्स, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया -10 डिग्री सेंटीग्रेड है और बहुत ज़्यादा सर्दी है इस टाइम। अब राउंड टू स्टार्ट हो चुका है और अब सेकंड टाइम सब लोग आएंगे। ये सब पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो गर्ल्स हैं। ये वाली पार्टिसिपेंट नंबर 1 पे है आफ्टर राउंड 2, इसके सबसे ज़्यादा स्कोर हैं अभी तक। और ये वाली जो है वो सेकंड नंबर पर है और ये अगेन ऊपर राउंड 3 के लिए जा रही है। Just amazing, so skillful. 右转动作 ，CFD 抓板的 double cork 1080。मेरे hands gloves में भी freeze हो रहे हैं。倒环左转 76.25， 高居第二位。ये छोटू सा बच्चा videos बना रहा है, बहुत excited होकर देख रहा है। ये है जी third number पर। Nano with X Games. Right side double quad 1080. 两周偏的软体1260 double quad 1260. Left side. 这 participant number 3 पर है। एंड ओवरऑल स्कोर में देख सकते हैं फ्रांस जो है नंबर 1 पे है और स्विट्जरलैंड 2nd 3rd, और ये ओवरऑल जो है बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं। सो फ्री स्कीइंग का जो वर्ल्ड कप है वो विन किया है फ्रांस ने, एंड फ्रांस इज़ द 2023 वर्ल्ड कप विनर। मैच हो गया है एंड और अब सब लोग ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं, और बाहर डिफरेंट टाइप्स के फूड स्टॉल्स भी हैं और इसके अलावा स्पेक्टेटर्स के लिए डिफरेंट टाइप की इंटरेस्टिंग गेम्स भी हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी।
और यहाँ कर रहे हैं हम लोग लंच। और ये हम लोग अपना लंच जो है वो घर से ही प्रिपेयर करके लेकर आए थे, क्योंकि नेक्स्ट प्लेस पे हमें आइडिया नहीं होता कि हलाल चीज़ जो है वो अवेलेबल है या नहीं। सो मेरा ये फर्स्ट वर्ल्ड कप था जो कि मैं लाइव देख रही हूँ। सो हमने तो काफ़ी इन्जॉय किया, साथ साथ जो है सर्दी को भी इन्जॉय किया। सो होप सो कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में बताएं और इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।